सोना सही है, सिटी सब सारे हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब पैसे कितने हुए? 3000 रुपए। ओ डॉक्टर साहब, माता का आज हल्का हल्का फीवर है। तो गाइस यहाँ पे हम बना रहे हैं राजा के लिए कॉटन कैंडी। ओह माय गॉड, डैडा ने कितना प्यारा बना दिया है। हाय रे बुगू, छोड़िए तो सोलूडन नहीं। ना। दवाई लेके थोड़ी देर लेटती हूँ, यही लेट जाती हूँ आपके। यही लेट जाती हूँ। रात को दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज की हमारी शुरुआत हुई थी राजू के साथ। राजा ने उठा, मैंने मम्मा को बोला था कि रात को 8:30-9 बजे के बीच ना मुझे दूध दे देना, क्योंकि माँ ने बताया था कि राजा उस टाइम दूध पीता है और नींद में पी लेता है। तो मैंने बोला राजा दूध तो पी लो, तो बोला नहीं मम्मा। और जैसे मैंने गोद में बिठा के इसको दूध पिलाना स्टार्ट किया तो ये इसने दूध पी लिया। उसके बाद फिर ये उठा 10:30, मुझे बोला मम्मा 9 बजे हैं, उठ जाओ आप भी उठ जाओ। फिर जब से मेरे बाबू खेली खेली कर रहा है और अभी राजा खा रहा है खाना। ये बादाम नहीं खा रहा था, तो मैंने इसको बादाम को अच्छे से घिस के, माँ ने बोला था छक्कर में डाल देना और रोटी के साथ खिला देना। नानी मुझे दे दो, नानी मुझे मुझे नहीं मुझे 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 दे दो नानी। बाबू इन्हें नीचे को गिरा रहे हो बेटू? हाँ जी। अच्छा चलो अब छोटे लगेगी, सारे पिलो नीचे गिरा दे। कहता बना मैं तुझे चोको चिप कुकीज। जैसे ही हम लोग सब ठंड से आए, मतलब कि सारा परिवार तो आते ही, मम्मी की एंड खुशी की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होगी। माता का आज हल्का हल्का फीवर है, खुशी को भी हल्का हल्का जुकाम है। ठंड से जैसे ही गर्म में आए ना, मतलब जब यहाँ से गए, पेन हो रहा बॉडी। डॉक्टर साहब ये ना इनकी तबीयत खराब है, इनको थोड़ा पूछ लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक। मेरी नानी का नाम जसविंदर है, जसविंदर कौर लिख लो। नानी का क्या लेना देना इस पर? ये सारा बहुत बड़ा बायो डाटा है इसका, डॉक्टर का आधार कार्ड बनवा रहा हूँ। यार ये सब नोटिस करता है डॉक्टर, पर्चे पे लिख दी दवाई, थोड़ी ये खा लेना थोड़ी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई, कितने पैसे देने हैं? 3000 रुपए। बाय डॉक्टर। आपने कौन सा असली दवाई दी? तो वो दवाई आपने मतलब नकली दवाई दी तो आप उनको, ये मेरी वो है वाइफ, इनको कोल्ड हो रहा है, चेक कर लो। ये मेरी वाइफ है। मम्मा तो इतना फॉर्मल डॉक्टर है। नाम क्या है मम्मा? मेरा नाम है उषी। मम्मा टाइम दिखाओ। और ये हाय मेरा बग्गा, अब ठीक हो जाएगी। ये क्या पार के दे रहे हो? ये तो निकाल के कम दे रहा है ना गोलियां आगे वाले पेशेंट के लिए। पानी पी लो। दो साल में दवाई, आपकी छुट्टी है, जाओ। अच्छा तो डॉक्टर साहब पैसे कितने हुए? 3000 रुपए। ओ डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब की फीस बहुत तगड़ी है। सुबह से पर्चे पर्चे के 3000 रुपए दवाई लग। ये वर्ल्ड का देख लेट के पूरा रिलैक्सिंग डॉक्टर, डॉक्टर मसूर मुलाटी। यार सुबह से देखते ले कितना चंटा है वो, कह रहा है की 3000 रुपए डॉक्टर साहब। ये वर्ल्ड का सबसे महंगा डॉक्टर मिल गया गाइस आज हमें, जिसके पर्चे के 3000 रुपए। डॉक्टर है कितना कूल, देखते रहे बैगी बूगी पहन के रखता है डॉक्टर। मैजिशियन हाथ में दो ना, किस टाइम किस टाइम लेनी है? अरे बताओ तो कैसे लेनी मेडिसिन? वो कह रहा कैसे लेनी, कह रहा पानी से। इसको देख लो, मिले अंग्रेज बेटे को देख लो, क्या गलते घूम ले हो आप। राजा आपने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए, देखो ये देखो सारे गीले हो रहे हैं। चलो राजा को, अब राजा के हम नए कपड़े पहनाएंगे और सारे कपड़े लगा देंगे। तो राजा को आज मेरी मैचिंग सॉक्स भी बना दी, सॉक्स में इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि ना अभी हम ठंड से आए हैं, कभी इसको ठंड लग जाए तो ये नंगे पांव घूमता। जाओ राजा डेरा को दिखा दो, डेरा मैं रेडी हो गया। शूज अभी घर में नहीं पहनते ना आप, तो इधर उधर कूदोगे। चलो सॉक्स पहना दी इसीलिए मैंने आपको। डेरा राजा रेडी हो गया। किचन में कौन आया देख के आओ ना एक बार, किचन में कौन आया देखो, यहाँ देखो ये देखो।
किचन में देखो कौन है। कौन है राजा? इसे देख लो, इसको हमसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही। क्या कर रहे हो? कोशिश नहीं कर रहे, खोल ही रहे। सो गाइस राजा आ रहा है, इसलिए मैंने कई सामान मंगवाए थे। एक कॉटन कैंडी भी मंगवाया था। अब हम इसको खोल के देखेंगे कैसा रहेगा। चलो रुक जा, चलो। राजा के लिए कॉटन कैंडी। ओह माय गॉड, डैडा ने कितना प्यारा बना दिया है। चौधरी साहब के अंदर एनर्जी। ओ चौधरी साहब। हां जी। ओ चौधरी साहब, हमने आज अपनी टोटल टाइम बनानी थी। ओह हां। भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं वर्ल्ड का सबसे तगड़ा कॉटन कैंडी वाला सेलर बनने वाला हूं। फिलहाल मैं नहावा के रेडी होने के लिए चला गया था, तो मैंने आते ही क्या देखा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सब दिखा देता हूँ। अभी क्या हुआ, खुशी राजा को सुलाने के लिए लेके गई थी, बेचारी और बैठी बैठी उसके साथ ही सो गई, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल तक का अपन वेट करते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत लगी तो जाके बारी बारी दोनों को दिखा देंगे, क्योंकि मम्मी को वैसे मेडिसिन मना की हुई है, डॉक्टर ने रिकमेंड करी है वही मेडिसिन दे सकते हैं। आज वेट कर रहे हैं, अगर ज्यादा दिक्कत रही तो फिर चेंज करेंगे मेडिसिन। जब जाके देखा फिर बेटा सो गया था, मुझे लगा मैं यार मैं क्या उठाऊं, गले में बहुत दर्द, इसीलिए सिर्फ इसीलिए नहीं उठाया, मेरी तबीयत खराब है, अब बुखार नहीं है, थैंक गॉड। मेरा बच्चा सा गला बहुत दुख रहा है, ये चीज गला दिख रहा है, तो वो मोटर करो थोड़ा, सॉरी थोड़ा सा गर्म पानी लगा बेटा, और ना कोल्ड भी हो रहा है पूरा, नोज बंद पड़ी थी, मुंह से सांस ले रही थी। मेरा बच्चा भाई सो रहा है, बीबी ब्लैंकेट आपने ली थी तो पहले तो क्या हुआ, पहले तो मैं जब गया मुझे सब पता है, मैं देख ही रहा था, मैं सो गई थी, मैं सो गई, राजा सो जाओ, राजा सो जाओ, मेरे नोज पे उस पे लग गया, ब्लैंकेट सो गया प्यार मोटर, फिर आपने उसे सही से लिटाया, फिर ब्लैंकेट ली, फिर फैन तेज कर गया थोड़ा सा, मैं क्या गर्मी लगेगी भाई, कौन ना मुझे नहीं पता, मुझे लगा बाबू ने मेकअप भी किया, बड़ी मेहनत करके, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं अब सो गई, मैं चल उठाता नहीं। मैं भी उठी हूँ, राजा को मैं सुलाती हूँ, कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मैं सोचा एक दो वीडियो बनाती हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कब सिरप ले रही हूँ, विकड़ी ने मंगवाया, मम्मा और मैं दोनों ले रहे हैं, तो अभी मैं राजा के लिए चीला बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो ये थोड़ा सा चीला खाएगा। आपका फेवरेट कौन है बिग बॉस में? MC Stan पसंद है आपको? बाबू चिल्ला दे दो भाई, इसका चिल्ला दे दो, वरना पता नहीं क्या हो गया, आराम से उठाइए बेटा, आराम से उठाइए, पागल हो रखा, वरना पता नहीं इसके चक्कर में क्या क्या कह दिया सुना, तो चार पांच बात अजीब अजीब सी। चिल्ला पसंद है आपको? अरे मिला चिल्ला बनाया, चिल्ला मिली है दादी, उसको पी के देखो, ये तो सच्चा नहीं है, नहीं पी के दिखाओ, पी के दिखाओ सबको। मम्मा छोलिया ने मुझे नींबू दिया, सोले तो छोलिए तो सोलू डर नहीं छोलिए, और मुझे नींबू तो दिया, नींबू, हाँ नींबू दे दिया भाई तूने इसको, हाँ छोले से मेरी तो इतनी हो गई थी, उधर से भी निकल सॉक्स पड़े, सॉक्स फट गए, उंगली का डाल रहे हो उसमें, सॉक्स भी फट गई और ऊपर से इसने नींबू दे दिया, क्या करे, मुंह कितना गंदा बनाता है मेरा बच्चा। एक दांत है मेरा, पीठ भी दांत हो रहा है, दांत गैस वाली हो गई पेट। ग्लूकोज मांग रहा था शौर्य ने, से थोड़ा वार्म वाटर में दे दे, उसको ऐसा डर लगता है ना गला खराब ना जाते, कह रहा शौर्य ने मुझे नींबू पानी दे दिया, शौर्य को मैं छोड़ूंगा नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है राजा आ चुका है, तो खुशी जिम नहीं आई क्योंकि खुशी की तबीयत भी थोड़ी खराब है, और राजा रुकता भी ना अभी फिलहाल, तो मैं वर्कआउट करने आ चुका हूँ, प्रिंस भाई मेरी वेट करें, मिलके चलते हैं। ओ ये रे ये रे ये रे,
अरे भाई जान बहुत देर से रोके हुए हैं मैंने भैया को, आधा पौना घंटा हो गया कम से कम। अभी हम लोग जिम से आए हैं तो राजा रेस देख रहा है अभी फिलहाल, कार की रेस कार्टून मेरे गोद में बैठ के। और जैसे ही मैं खुशी रोने लगी, कोद आज की तबीयत खराब है, मेरे बुढ़ा की मम्मी की भी तबीयत खराब है, लेकिन बेचारी फिर भी काम करती घूम रही है। मम्मा बहुत अच्छी है ना राजा, मैं दवाई लेके थोड़ी देर लेटती हूँ, यही लेट जाती हूँ आपके, यही लेट जाना या अंदर लेट जाना जैसे। आपका बहुत प्यार करते हैं ना बच्चों, हक कर लो मम्मा को। बाबू क्या कह रहा, देखो तो ज्यादा काम मत करो, ठीक हो जाओगे आप, डैडा कर लेंगे, बोलो काम डैडा कर लेंगे, आप रेस्ट करो। चलो बाबू आप बैठो भाई के पास चलो। गाड़ी में मेरा पर्स छूट गया और मुझे वो चाहिए था अर्जेंट, तो मैं और राजा जा रहे हैं गाड़ी में पर्स लेने के लिए, है ना। ये इतने में खुश हो जाता है बुग्गा, कहता चलो मैं भी चलता हूँ डैडा पर्स लेने। ओके ये रात को दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं, मैं आराम से रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है फीवर। राजा दादा क्या कर ले आपके साथ, हाथी के चाची जी कहाँ गए कहते, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। भाई ये लोग खेल रहे और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं राजा एक काम करें, हम एक काम करें, चलो बैठ जाओ आप बैठ जाओ, हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, आप मुझे कोई स्टोरी सुना सकते हो, सुना दो कोई स्टोरी डायलॉग को। एक तो लोयन था, एक डायनासोर था। अच्छा आपको खाने के लिए आया, कराटे मारे उसको आपने, आपने बंद कर दिया उसको किस चीज में, फ्रिज में। वाओ क्लैपिंग दो एक, राजा ने उसको फ्रिज में बंद कर दिया डायनासोर को। फिर क्या हुआ, आपको पल भैया याद कर रहे थे, कह रहे थे राजा को क्यों लेके आए आप, पल भैया बता क्या बोल रहे थे कि प्लीज कल राजा को और खुशी को लेके आना, मुझे मिलना है राजा बेटा से। राजा अगर कल आप जिम जाओगे तो आपको मंच भैया के पास खेलना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, चला रहा अपनी वॉइस भेज के, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। अभी रिमोट इसके पास था, देखो कौन सा गाना चला के भाग गया, देखो पक्का आशिक है भाई ये तो, कोई दिल टूटा हुआ आशिक है, उसे मैसेज कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि बाबू कहाँ हो आप, मैंने आपके लिए गाना चला दिया, देखो इस पे सूट करा, देख देख तब देख तब देख तब ओ तब देख तब सुवान जी, गुड नाइट मेरा बच्चा, लव यू, ओके बेटा बाय बाय।